एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी नए लैपटॉप में, मैं ऑनलाइन हुई हूँ। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से कितना प्यारा नज़र आ रहा है। आज मैं मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, उसके बावजूद इतना क्लियर चेहरा। चले जी, सब ऑनलाइन आ जाए जरा जल्दी जल्दी। इंटरनेशनल ला का हमारा पेपर है, मतलब चले जी। वालेकुम सलाम, आ जाओ आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ सारे जल्दी 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 जल्दी। मैम अनब्लॉक करें प्लीज, कॉल पे कॉल आ रही है और ऊपर से वो बात हो रही है जी। मैम अनब्लॉक करें, भाग जाओ यहाँ से अभी फिलहाल। नो अनब्लॉक, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ भाई, रिस्पेक्ट गई अब बाढ़ में। अब जिस जो मर्जी हो जाए, अब तो रिस्पेक्ट भी जाए बाढ़ में। अब नहीं, जो ब्लॉक हो गया वो ब्लॉक हो गया। अच्छा जी, हम भेज रहे हैं इंटरनेशनल लॉ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, मैं मैसेज पढ़ती हूँ। मेरा सर का दर्द है ना, ठीक हो जाता है, मतलब तो हद होती है। इतना तंग कर रखा था, इतना तंग कर रखा था, तो बार खुदा का खौफ करो जितना, मतलब मुझे कल से लेके आज तक तंग किया हुआ है। पैसे भेजने नहीं है, मिस गैस दे दें, ये बात वो बात, कितने सवाल होंगे, कितने पेज होंगे, कितना होगा, क्या होगा, भाई सारा गैस लफ्जों में बता दूं। पैसे भेजने नहीं है, और ऊपर से जिन्होंने भेजे हुए हैं उनके नखरे आसमान पे, मैं कहती हूँ चौथे आसमान पे। अच्छा मिस सिमी खान, वाह क्या 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 पैसे भेजे मैम जी, मेरी पेमेंट चेक करके जाए। तुम्हारी पेमेंट चेक कर रही है मैंने मोमना। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गैस, गैस पब्लिक के। हाँ ये एक ना एक कॉल, मुझे इतना परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, सारे ऑनलाइन आ जाओ जरा जल्दी जल्दी। मैंने ना असल में ना जो फिर व्हाट्सएप है ना, मैंने अपने उस पर इंस्टॉल कर लिया। वो मतलब जो भी है वट एवर, उसने मुझे तंग इतना परेशान किया हुआ है, कॉल्स पे कॉल्स। मोबाइल्स की बैटरी डेड होने को आई, घर से बाहर बंदा हो निकला हुआ, सुबह से थका हारा, उसको खाने की फिक्र है नहीं, वो अपनी जिंदगी गुजारने पे लगा हुआ है। आप लोग इतनी कॉल्स जिनको ब्लॉक कर दिया इन्होंने, इतनी कॉल्स कर करके मेरी जान अजाब, इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, इतनी बदतमीजी, अल्लाह माफ करे। हाँ अगर कोई काम की बात हो ना, बंदा कहे कि ठीक है काम की बात है। अभी मुझे कॉल आई है, अभी 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 2 मिनट पहले मुझे कॉल आई है। मुझे कहता जी सरगोधा यूनिवर्सिटी के वो एडमिशन ओपन होंगे। मैंने कहा मैंने कहा है, मैंने स्टेटस लगाया है, मैंने वीडियो बनाई है। नहीं ना, जिन्होंने स्टेटस लगाया, जिन्होंने वीडियो बनाई, भाई उसको कॉल करके उसका सर खाओ, मुझे कॉल करके क्यों कंफर्म करो? नहीं मिस, वो आपके पास खबर होती है। मैंने कहा मेरे पास खबर होती मैं स्टेटस लगा देती, मेरे पास खबर होती तो मैं भाई वीडियो बना देती। हद हो गई है। अच्छा Part 2 क्यों होंगे? मैंने कहा कोई और बात करनी है? नहीं, वो बस आपसे ना बात करने का दिल कर रहा था। अल्लाह माफ करे, खुदा का खौफ नहीं आता लोगों को, पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है, मैं साहब से बात करने को दिल कर रहा था। आवाज हद हो गई, मेरी आवाज सुनिए तो यूट्यूब चैनल पे आओ, मुझे कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। अच्छा आयशा कह, आयशा कह रहे मैम जी ऐड कर लो, अब इतनी सजा काफी है, पहली और आखिरी बार हुआ ऐसा, मैम जी माफ कर दें। अच्छा इसने भी इतने मैसेजेस दुनिया जान के किए हुए थे। इंटरनेशनल ला के गैस की प्राइस, वो कहते हैं ना सारा दिन मैसेज लगा रखा था स्टेटस, जब स्टेटस हटा दो तब वही दुनिया जहान की। एक्सटर्नल वाली हो तो बेटा आपको मैं ब्लॉक कर रही हूँ फिर।
ताकि आपको मेरे वो नजर ना आए। दो भी है, एक तो खुदा का खौफ करो, इतना मुश्किल पेपर है, ऊपर से पेमेंट के बाद भी न्यू गैस नहीं भेज रही, इसलिए बोला आई एम रियली सॉरी, मुझे ब्लॉक कर दें, अनब्लॉक कर दें। अच्छा, रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, रिस्पेक्ट तो सारे ही बहुत करते हैं, मतलब खुदा का खौफ नहीं आता। देखो अब मैं मुसलसल 5 मिनट हो गए मुझे मैसेजेस देखते हुए, कितने दुनिया जान के मैसेजेस, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर इतने मैसेज आ जाते हैं। हाथ ही नहीं रुकता मैसेजेस से। तो वाह, अच्छा कैसे हैं आप सब, कैसी लग रही हूँ मैं हमेशा की तरह लड़कियों की तरह? ओके, मेरी प्यारी मैम मुझे ब्लॉक कर दे, मैं प्यारी हूँ ही नहीं, मैं खौफनाक हूँ, मैं भूत हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है अब आपके? सर दर्द ठीक हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम जी, मेरी पेमेंट चेक करें ना, मुझे तो टेंशन खत्म हो कर दी है। कौन सी वाली? किंजा, किंजा के पीछे मोमना है तो बेटा आपको मैंने सेंड कर दिया। मैम आप वैसे दिल की बहुत अच्छी हैं। अच्छा खाना खा लिया? हाँ जी खाना खा कर ही आई हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा दें, वीडियो रिकॉर्डिंग पर बाद में लगाऊंगी, अभी तो हम गप्पे मार रहे हैं ना, थोड़ी सी सब्र करो, वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा देती हूँ। अच्छा मुझे याद करा दिया, किसने याद कराया वीडियो रिकॉर्डिंग पे? अशरफ ने। ठीक है मोबाइल में सामने रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगानी है, मैंने रख लिया। एक मतलब बंदा कहे मैं ना मतलब एक लड़की हो ना तो उसके लिए कितना अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट है, नेल पॉलिश चेक करें, और मैं नेल पॉलिश पेंट लगाती भी नहीं हूँ, मेरा वॉलपेपर है। अच्छा जी आपकी दिल्ली की बहुत अच्छी है, अप्रिशिएटेड योर इफर्ट। अच्छा इफर्ट अफर्ट इफर्ट। सलाम वालेकुम सलाम। ओके मैम जी थैंक यू। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम जी थैंक यू। ओके ओके सेहत आमीन मैम। एक्सट्रा एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान की क्लास कब से शुरू करेंगे? अच्छा मैं ना सिर्फ अपने रेकमेंडेड जो गेस्ट पेपर है मैं उनकी सिर्फ क्लास करूंगी, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं रख सकती, मैं एक्सटर्नल रिलेशन की क्लास नहीं रख सकती, मैं द मुस्लिम वर्ल्ड डायनामिक्स की नहीं रख सकती, कल पब्लिक पॉलिसी का पेपर है मैं उसकी नहीं रख सकती। हाँ अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास नहीं रख सकती क्योंकि मेरे पास तो इतना ना ज़्यादा दिमाग नहीं है। ले जी हूँ एक और नवी बंदा कॉल कर रहा है, मिस कॉल मार के छड़ दिया उसने। तो खैर मैं ना इतना ज़्यादा गेस्ट पे वो सब्जेक्ट्स को कवर अप नहीं करती, और ना मैं पढ़ाती हूँ, ना मैं इतनी हरफन मौला हूँ। ओके मैं इतनी हरफन मौला नहीं हूँ, तो इसलिए ना मैं ना सिर्फ एक ही दो चार सब्जेक्ट ही पढ़ाती हूँ, वो मार्केट में जितने भी बाकी के उस्ताद हैं ना वो बहुत हरफन मौला है, आप उन लोगों के पास बेशक चले जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। एक्सटर्नल रिलेशंस है या वट एवर कोई भी आप लोगों के पेपर्स हैं उस पर मैं क्लास नहीं रख सकती, लेकिन हाँ मैं आपको गेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ और मैं आपको बाकी की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है टाइम बिल्कुल भी मेरे साथ मैनेज नहीं हो रहा। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स बनाए थे, एक्सटर्नल के नोट्स भी मेरे पास बहुत अच्छे हैं, उनमें से पेपर आ जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है आप लोगों को बताने का क्योंकि पेमेंट तो वही आप लोगों ने, मिस 200 ले लें, मिस 300 ले लें, मिस 500 ले लें, 500 में तो उसके पेपर की कीमत भी नहीं पूरी होती, लिखने की तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर मैं ये कहती हूँ जो पढ़ा है ना मेरे पास पढ़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे कहते हैं ना कदरों को ना शुक्रों को आप उससे दूर हट जाओ, एक दफा आपने धोखा खा लिया, दो दफा हो गया, अब हर बार नहीं हो सकता। तो मैं क्या करती हूँ मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, जो मुझसे नोट्स मांगता है ना मैं कहती हूँ नहीं है मेरे पास, जो मुझसे कहता है ना मिस गैस है मैं कहती हूँ नहीं है मेरे पास, बिल्कुल मैं खामोश हो जाती हूँ। सुकून पड़े है ना मेरे पास, कोई बात नहीं, बुरे हैं ठीक है। सारा दिन इतनी शदीद गर्मी है, पता नहीं सितंबर में गर्मी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, धूप इतनी तेज है, हवस इतनी ज्यादा है, हवा रुकी पड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट में चार्जर लगाना भूल गया था, चलो चार्जर फिट हो गया। ओ प्रावा चल जा, ओ प्रावा चल जा, नहीं चला, रुक जा देखती हूँ मैं, पहले ये पानी पी लूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास रख लें आपकी तो समझ आती है,
भाई मैं सो सॉरी, आप लोगों ने अपनी मर्जी से ऑप्शनल रखे थे, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा लूं। आज नहीं, 3 दिन हो गए मैं बाहर जा रही हूं, इतना मैं थक जाती हूँ। सुबह 1 बजे के 1:15 बजे मैं घर होती हूँ हमेशा, 1 बजे 1:15 बजे 1:30 बजे मैं अपने घर वापस आती हूँ। और मैं कहाँ से आती हूँ ये नहीं बता सकती, क्योंकि आप लोग फिर मेरा पीछा करना शुरू हो जाएंगे वॉइस। मॉर्निंग में मैं जाती हूँ सुबह सुबह, और फिर मैं आती हूँ 1 बजे वापस आती हूँ, और उसके बाद अब ठीक है, उसके बाद फिर मैं अल्लाह भला करे 2 बजे खाना शाना खा रही होती हूँ, आप लोगों के मैसेजेस रीड कर रही होती हूँ 3 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं 3:15 3 बजे निकल जाती हूँ दोबारा से, और फिर मैं आती हूँ, कभी 7 बज रहे होते हैं, कभी 8 बज रहे होते हैं। अभी आज भी मैं 8 बजे वापस आई थी, और खैर इस दौरान में मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रही होती हूँ, इस दौरान में मैं सारी चीज़ों को कवर अप कर रही होती हूँ, अपने भी काम कर रही होती हूँ, पढ़ भी रही होती हूँ, पढ़ा भी रही होती हूँ। हाय, मतलब बंदा वह कमा भी रहा होता है, जाहिर बात है बिजनेस भी देख रहा होता है अपना। ओ भरावा चलगा, शुक्र है लाइट कितनी प्यारी हो गई है, अब ठीक है, चार्जर लग गया है। ठीक है, मेरी बहुत ज्यादा टफ रूटीन लाइफ हो चुकी है। मैं सुबह तकरीबन 7 बजे निकलती हूँ घर से, और उसके बाद मैं शाम तक वापस आती हूँ। मेरा बहुत ज्यादा टफ टाइम होता है, और अभी अभी मैं ना सारा मेकअप शेकअप उतार के बैठी। पहले ना मुझे वापस वार्म अप होने दो, मेरा वो जो गुस्सा है ना वो खत्म होने दो, पहले बातें करो थोड़ी थोड़ी। आज एसी वाले रूम में, हाँ जी हाँ बिल्कुल एसी वाले रूम में, और सामने एसी लगा हुआ है। मतलब 11 बजे के बाद आपके यूनिट के जो चार्जेस है वो कम होते हैं, पाकिस्तान ज्यादा होते हैं। हे, मैं 11 बजे तक वेट ही नहीं कर सकती। मुझे 8 बजे, मैं मतलब आप 8 बजे आई हूँ, 9 बजे आई हूँ, अभी जाहिर बात है मैं फ्रेश हुई हूँ, और उसके बाद खाना खाने के लिए गर्मी में नहीं खा सकती मैं। डॉक्टर्स यकीन मानो, जो मतलब जाहिर बात है मुझे ऑपरेट हुआ, फिर उसके बाद मेडिसिन मैंने इतनी हैवी खाई है कि मुझे मतलब 15 से 20, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे रिकवरी हुई उस हैवी मेडिसिन की वजह से। वो जो इतना वो हैवी खा खा के, देखो मैं इतना मोटा हो गया हूँ कि मुझे खुद को पहचानने में नहीं आता अपना, मेरे हाथ इतने वाइट हो गए हैं, मतलब कि मैं समझ में नहीं आती कि मैं मतलब उस जून और जुलाई के बाद से मैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मुझे खुद अपनी जात के समझ नहीं आ रही। वो फिर अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह पाक ने, वो डॉक्टर्स ने 2 3 बार कहा कि किसके लिए कमा रही हैं आप, किसके लिए कर रही हैं आप ये सब कुछ, कम से कम एसी में बैठ जाएं, कम से कम अपने लिए अच्छा खाने के साथ साथ अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दे, क्या करेंगे आप इतना कमा के, ये वो ना। उसने डॉक्टर ने मुझे इतना समझाया, सही बात है वो मुझे उस कंडीशन में देख चुका था जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, आप लोगों ने भी देखा। तो उस वजह से फिर क्या हुआ, मैं अर्जेंटली मैं सर्दियां आने वाली थी, मैंने कहा क्या जरूरत है, सर्दियां आने वाली है चलाएंगे, चलेगा भी नहीं ये नहीं, और ये लगने की देर थी। अब तो वो जो कहते हैं ना सुबह शाम वाली, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम वो खाना, अब मेरा ये खाने कितना चलता है, ये 8 बजे चलता है, अभी 10 बजे अभी चलाया मैंने, 9 बजे 1 घंटा चलता है, फिर उसके बाद ना ये चलेगा, अब 12 बजे चलेगा, 12 से 1 फिर मैं चलेगा, ये 2:30 से 3 3:30 बजे तक चलेगा, फिर मैं जब सो रही हूँ कि 4 बजे मैं सोती हूँ, आप लोगों को पता होगा शायद कि 4 बजे मैं सोती हूँ, तो 4 बजे से 5 बजे तक वो जो सोई पड़ी होती है, सोई पड़ी, तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि एसी चल रहा है, फिर इधर उधर रिमोट ढूंढती हूँ, और फिर एसी बंद करके अंदर ना, उसके बाद मुझे नहीं पता होता, वो अलार्म बजता है 7 बजे का, और देन फिर मैं बाकी के जल्दी जल्दी उठ के मैं भाग रही होती हूँ, नाश्ता मैं करती नहीं हूँ। तो ये मेरी रूटीन लाइफ बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि मैं जितना इसको चला रही हूँ ना, बिजली का बिल अगर 60 70 हजार चला गया ना, तो बस लग पता जाएगा इस बार, इस महीने का बिल। हाँ जी, मैं कॉमन हेडिंग्स बता देती हूँ, इंटरनेशनल लॉ भी बता देती हूँ। विटामिन्स की वजह से रंग फेयर होता है। हाँ जी, विटामिन, जाहिर बात है आप लोगों के सामने है, कितने विटामिन उसने मुझे खिलाए,
मिनरल्स की मुझे अलग टेबलेट्स मिली हुई थी, विटामिन्स मुझे अलग मिले हुए थे, विटामिन सी मुझे अलग मिले हुए थे, मतलब कोई मैं 8 से 10 मेडिसिन सप्लीमेंट्स खा रही थी, टैबलेट्स थी, सप्लीमेंट्स थे, फिर इंजेक्शंस लग रहे थे, और फिर आप लोगों को पता है ड्रिप्स भी मुझे कितनी लगी है, मतलब एक एक दिन में मुझे तीन तीन ड्रिप्स भी लगी हैं, चार चार ड्रिप्स भी लगी हैं एक एक दिन में, और फिर इतने थे कि ये मेरे हाथ स्वेल हो चुके थे, मतलब कहीं पर भी जगह नहीं थी यहाँ पे के ड्रिप लग सके, इधर नहीं लग सकती थी, फिर इधर लगाने शुरू कर दी उन्होंने ड्रिप, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मैं थक चुका था ड्रिपों से मेडिसिन से, तो मैं तो शाह साहब को कॉल करके कहती थी मुझे जिंदा रखना है तो मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मुझे मार देंगे बस। अच्छा कॉमन हेडिंग्स बताती हूँ, सबर कर लें। मैम आप बचपन में, पता नहीं मैं बचपन में, यकीन मानो मैं बचपन में जैसी थी ना, मैं ना आई थिंक मैं एक ही मेरे पास वो मूवी पड़ी हुई है, उसमें मैं अपने बचपन को देखती होती हूँ, वो भी किसी की शादी की है, उसमें जाहिर बात है बचपन था वो मेरा, और वो जो मूवी है वो 1999 की है, इंतहाई मैं उसको देखती हूँ तो मैं हंस हंस के पागल हो जाती हूँ, दो पोनिया करनी इधर से यू करके, जाहिर बात है अम्मी बचपन था, बचपन में दो पोनिया होती हैं, वो अम्मी ने दो पोनिया की हुई है और फ्रॉक पहनी हुई है, और जब बारात में गई हूँ तो बॉयज वाला ट्रैक सूट, बॉयज ड्रेस पहना हुआ है, कोट 3 पीस, और बालों का कटिंग बॉयज वाली है, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि मैं कहाँ से बॉयज वाली कटिंग रखी हुई थी मेरे लाइफ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के लिए, अच्छा पहले ना मैंने इस वीडियो को एडिट किया, पहले मैंने इसको पे लिखा पब्लिक पॉलिसी के गैस, फिर मैंने इसको एडिट करके इंटरनेशनल लॉ कर दिया, मैंने कहा शायद पब्लिक पॉलिसी वाले सोए पड़े होंगे इसलिए मैंने पब्लिक पॉलिसी को छोड़ दिया। नहीं मैम ओनली 9000 आए आ गया आपको, क्या हुआ 1 मिनट, कॉमन हेडिंग प्लीज प्लीज प्लीज, जस्ट 3 फेज मीटर पे, अच्छा सिर्फ 9000 बिजली का बिल आएगा, पक्की बात है अगर रहमान अली ऑफिशियल्स, अगर मुझे 9000 बिजली का बिल ना आया और इससे ज्यादा आया ना, सारा बिल तुमने अदा करना है मेरा, समझ में आई, मैं स्टेटस लगाऊंगी और स्टेटस पे तुमने देखना है कि कितना मेरा बिल आया, मेरा कल पब्लिक पॉलिसी का पेपर, हाँ मुझे पता है कल पब्लिक पॉलिसी का पेपर है, पीएम का पेपर को मुख्तलिफ मुश्किल आया था, इस बार नहीं मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, उसने बस घुमा दिया था, मैं बार बार कह रही थी ना घुमाओ, पब्लिक पॉलिसी पे मैं वीडियो नहीं बना सकती, ड्रिप की वजह से स्वेलिंग और बंदा मोटा, हम बिल्कुल, मैं डॉक्टर्स ने अभी वॉक करने से मना किया हुआ है, बहुत ज्यादा चलने से मना किया हुआ है, एक्सरसाइज करने से मना किया हुआ है, आल दो के मैं बस ज्यादातर घर में बैठी रहती, बैठी बहुत कम बैठी रहती हूँ, इसी तरह मैं लेटी रहती हूँ, सारा दिन मैं लेटी रहती हूँ, या मैं जब बाहर निकलती हूँ तब वो जो थोड़ा बहुत काम होता है उसके लिए बस, अदरवाइज ज्यादातर जो मेरा टाइम मतलब मैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से मुसलसल बिस्तर पर थी, इस वजह से मैं ज्यादा मोटा हो गया। हाय मैम अनब्लॉक कर दे मैम, शाह साहब आज आए हुए हैं चैटिंग में, शाह साहब अभी तक नहीं आए, जब चैटिंग में आएंगे ना तो मेरी स्माइल चेंज हो जाती है, आप लोगों को शायद नोट, उस दिन भी मैं जाने लग रही थी तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, तो मैंने कहा ओहो मुझे अब ऑनलाइन रहना पड़ेगा, जाहिर बात है उन्होंने मुझे सुनने के लिए ऑनलाइन ज्वाइन किया हमें, तो मैं अब ऑफलाइन हो जाऊंगी तो वो मुझे कैसे सुनेंगे, तो फिर उनको उनसे बातें उन्हें सुनाने के लिए या उनसे बात करने के लिए मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है, फिर ना ही आए आज, तो मेरी तबीयत भी खराब है, अगर वो ऑनलाइन आ गए तो फिर वो मुझे, याद है एक दफा हमारी क्लास चली थी रात के 2 बजे तक, हमने क्लास शुरू की थी पिछले साल की बात है, शायद आप लोगों को भी पता हो, 9 बजे हमारी क्लास शुरू हुई थी, हमने पढ़ाई करने के बाद गप्पे मारना शुरू कर दी, रात के 2 बज गए, इश्क मोहब्बत शेरो शायरी गाने, चाय पियेंगे तो किसके साथ, ये करेंगे तो क्या, मतलब इतने मैं क्वेश्चंस पूछ रही थी और इतनी मैं बातें कर रही थी मुसलसल नॉन स्टॉप 2 बजे तक, उसके बाद शाह साहब सुनने लग रहे थे, उनके लिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ा, फिर
फिर उसके बाद उन्होंने कहा गुड नाइट, मैंने कहा खुदा शुक्र है 2 बजे ऑफलाइन करने की मुझे इजाजत मिल गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भाई ला के पेपर के बाद। अब कर दे हम गरीबों पर रहम, किस बात का कर दूं अनब्लॉक, नहीं अनब्लॉक नहीं होगा बच्चा, जो अनब्लॉक, जो बच्चा ब्लॉक हो चुका है ना, वो आज की आज वो कहते हैं ना, मैं वो सराय के बोलूं, आज दी दिहाड़ी, आज दी दिहाड़ी में जो अनब्लॉक हो गया है ना वो ब्लॉक नहीं होगा, जो ब्लॉक हो गया ना वो अनब्लॉक नहीं होगा। मैम जी आपको नहीं पाया, आपके ब्लॉक करने की वजह से मैं पेपर पे कितना असर पड़ सकता है, अल्लाह इमोशनली ब्लैकमेल हो रहा है मुझे, मैम आपको नहीं पता, आप देखना जरताशा, जरताशा काशी भी क्यूट है, अच्छा माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी। 1 मिनट मैं अभी देख लेती हूँ जरताशा को, जरताशा, जरताशा गुल लिखा था ये, क्या नाम था इसका, 1 मिनट दोबारा देखो, मैम जरताशा काशिफ है, काशिफ ओके आ गई। नहीं ये वाली नहीं, मैं ऐसी नहीं थी, ये तो बहुत ही ज्यादा वो है, नहीं, ये मैं ऐसी नहीं थी, ये बहुत ज्यादा है, मैं मासूम सी, प्यारे सी, क्यूट सी, गोलमोल सी, मतलब अच्छी, मतलब अच्छी खासी में वो थी, अट्रैक्टिव थी, ये तो वो है, मतलब वाइट स्किन, मतलब अंडे की तरह, इसमें अट्रैक्शन नहीं है इस बच्चे में, इसकी मैंने काफी वीडियो देखी हुई है। अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट बता दें, हाँ पब्लिक पॉलिसी पे बात कर लेते हैं, अगर पब्लिक पॉलिसी का इस वक्त कौन कौन ऑनलाइन है जरा मुझे ओके करें, मैं सिर्फ 10 मिनट में आपको पब्लिक पॉलिसी करवा देती हूँ, क्या याद करोगे, सुबह का पेपर पूरा करवा देती हूँ 10 मिनट में, 10 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं जाएगा। मैम आज फ्रेश लग रही है, मीन के इतनी टायर्ड नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, इसीलिए मैं तकिए लगा के बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब मुझे पढ़ाने का कैद हो ना, और जब मुझे कह दिया जाए कि जी मैंने ऑनलाइन आना है, तो मैं सारी चीजों को साइड पे छोड़ के फिर मैं ऑनलाइन आ जाती हूँ। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मेरे सर में दर्द है, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मुझे कोई काम करना है, अब जैसे मैं ऑफलाइन आऊंगी तो फिर दुनिया जानेगी ना, मुझे मौत पड़ जाती है कि ये काम भी बिखरा पड़ा है और ये काम भी बिखरा पड़ा है, तो फिर काम का ढेर लग जाता। अच्छा मैं इसको करने लगी थी पंखे को ऊपर करके, अच्छा इंटरनेशनल लॉ करेंगे अभी, कर लेते हैं इंटरनेशनल लॉ, मैम काइंडली बता दें, आई ला के समझ नहीं आ रही है, इंटरनेशनल लॉ शुरू करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दूं ताकि 23-20 मिनट मैंने बातें की अपना मूड ठीक करने के लिए। मैम नेट इशू है, लाइट, ओ लाइट इशू बहुत हो रहा है प्लीज, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड भी कर ले रही, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ अभी शुरू करते वक्त, ये इसको बंद करके दोबारा से मैं शुरू कर लूँ एक क्लास, ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, फिर शुरू से काटते फिरेंगे आप। मेरे मेरे सब्जेक्ट की कोई क्लास नहीं हो रही है, हाँ जी बिल्कुल आपके लिए स्पेशल एक बंदे की क्लास रखूंगी मैं। अच्छा जी मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ था कल का, थैंक यू सो मच इंटरनेशनल ला, चले जी कर लेते हैं ओके। इंटरनेशनल लॉ वालों जरा क्वेश्चंस की लाइन लगा लो, कॉमन हेडिंग्स कर लेते हैं इसकी इंटरनेशनल लॉ की, हाँ जी लगा रही हूँ सबर कर लो, इंटरनेशनल लॉ बहुत मुश्किल है मैम जी, कॉमन हेडिंग पढ़ना खुद क्वेश्चन कम कर दे गैस में से भी बहुत मुश्किल है। अच्छा नो प्लीज, पहला पब्लिक पॉलिसी का, चल लड़के पब्लिक पॉलिसी की मेरी बात सुनो, आई लव पब्लिक पॉलिसी, जितनी मर्जी मुझे इस पे बातें करवा लो। अच्छा लेकिन कल के पब्लिक पॉलिसी के लिए मुझे नहीं पता, सब्र कर लो थोड़ी देर के लिए। इंटरनेशनल लॉ वालों, इंटरनेशनल लॉ वालों, चलो जी इंटरनेशनल लॉ वालों जाग जाओ, जाग जाओ जल्दी 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 जल्दी, सारे जाग गए इंटरनेशनल लॉ वाले,
सिर्फ 2 मिनट के बाद वीडियो दोबारा से ऑनलाइन होने लगी है। उसमें हम पहली बार से ही हम सीरियस कर लेंगे इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि ये बातें थी, फिर वो जब हम दोबारा रिवाइज में सुन रहे होते हैं तो इतनी बातें हो जाती है। मेरा मूड फ्रेश हो गया है, मैंने बातें कर ली हैं, अब हम इंटरनेशनल लॉ की तरफ आते हैं। पेन पेपर वगैरह पकड़ लेना और हम इंटरनेशनल लॉ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कॉमन हेडिंग्स करवाऊंगी, जो जो सवाल आप लोगों को समझ नहीं आ रहे पहले से माइंड बना ले, क्योंकि मैं ज्यादातर 10:15 हो रहे और 11 बजे मैं इसको बंद कर दूंगी क्लास को, ठीक हो गया। ओके जी, बाय बाय।